गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली में ऋषि युगमुख के समाधि स्थल सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इन प्रतीकों की प्राण प्रतिष्ठा गायत्री शक्तिपीठ पर दिनांक 11 मार्च को प्रातः शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए प्रबुद्ध आचार्यों द्वारा वैदिक रीति से की जाएगी, जिसके पश्चात 12 मार्च को डॉक्टर चिन्मय पांड्या व वाइस चांसलर देव संस्कृत विद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का अनावरण किया जाएगा। गायत्री परिवार के सभी साधकों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा ऋषि युग्म पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म चेतन शक्ति का प्रतीक होने के साथ ही गायत्री परिवार के करोड़ों साधकों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गायत्री शक्तिपीठ रायबरेली इन पावन प्रतीकों की स्थापना के लिए जिले में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बन जाएगा और शांति कुंज हरिद्वार की भांति से ये भी सभी धर्मनिष्ठ साधकों को आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ऋषि युग्म का सूक्ष्म संरक्षण प्राप्त होता रहेगा करूंगा। इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से पलवत त्रिवेदी प्रभारी विनोद वाजपेयी, प्रचार प्रभारी भगवान दीन, मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश ओझा, सुशील कुमार श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। S7 के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। गुरुदेव का प्रतीक प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की स्थापना के संदर्भ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके निमित्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। परम पूज गुरुदेव का प्रतीक है प्रखर प्रज्ञा, परम बंदिया माता जी का प्रतीक है सजल श्रद्धा। इसकी स्थापना से गायत्री शक्तिपीठ का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव के कथनानुसार कोई भी मन की बात अगर हम सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर कहते हैं वो बात गुरुदेव तक पहुँचती है। परम पूज गुरुदेव ने भारतवर्ष के लिए पूरे विश्व के लिए जो कार्य किया है आज सभी लोग उससे अवगत हैं। उन्होंने इस भीषण विभीषिकाओं में भी गुरुदेव ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया और आज भारत उसी दिशा में अग्रसर होता चला जा रहा है। आज भारतवर्ष पूरे विश्व का नेतृत्व करने की इस ओर बड़ी तेजी से अग्रसर है। परम पूज गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण की बात की थी, आज वो सीधे धीरे धीरे परिलक्षित हो रही है प्रत्यक्ष रूप में। और गायत्री परिवार इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे जनपद को अवगत कराना चाहता है, पूरे जनपद को लाभ पहुंचाना चाहता है कि लोग गायत्री शक्तिपीठ पर आकर के संस्कार कराएं, सद्विचारों से जुड़ें और अपने मन की जो भी बात है परम पूज गुरुदेव तक पहुंचा सकें। इसी निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे जनपद तक सूचना जाए, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।